हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी कुल्लड़ कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको हम घर पर ही इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सूख किए हुए आलमंड्स को छील लिया। इसमें ऐड करेंगे काजू, पिस्ता और फिर इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। शुगर की जगह आप खांड या जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें कार्डमम डालकर हम इसे ग्राइंड करके एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। फिर इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और फ्रेश क्रीम और फिर हमें इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। और एक बर्तन में मैंने यहाँ पे लिया है दूध, उसको अच्छे से पकाएंगे ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए और फिर इस पेस्ट को हमें इसमें मिला लेना है और अच्छी तरह से इसको स्टर करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी मोल में या फिर कुल्लड़ में आप इसे पोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुल्लड़ में पोर कर रही हूँ इसे। सारे कुल्लड़ में मैं इसे डाल लेना है। और हम इसे गार्निश करेंगे अब चॉप किए हुए पिस्ता काजू और बादाम से। अच्छे से गार्निश कर देना है और इसे हम कवर करेंगे बटर पेपर से। इसे बटर पेपर से कवर करना है। आप चाहो तो फॉइल पेपर से भी इसे कवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको रबर बैंड लगा के कवर कर रही हूँ। सभी कुल्फी को हमें ऐसे कवर कर देना है और रेफ्रिजरेट करना है फॉर ओवरनाइट। और ये हमारी ठंडी ठंडी सी कुल्फी बनकर रेडी है। तो आप घर पर ही बहुत ही टेस्टी कुल्फी एंजॉय कर सकते हो। ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी है। एंजॉय।